तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। उसके बाद जो वीडियो होगा वो 3 और 4 देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें क्या याद करना है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल होता है, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 बता दूंगा तो आप लोग ये 3 सॉल्व कर लोगे, या फिर एक ही बता दूंगा तो आप लोग ये 4 सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका जो है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्म HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुड LCM है। तो दोस्तों ये भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन डाला नहीं है, जो भी वो है वो आप लोग बुक में देख ही सकते हो, तो क्या उसका ज़रूरत है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 140। अब इसको जो है कि अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लाना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें अगर इसको याद करना है तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम अगर 140 का निकालते हैं तो हमारा 140 का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकाल लोगे तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा ये, हालांकि ये रफ कार है, इसको रफ कार करिएगा, इसको सामने मत करिएगा, इसको रफ कार है हमारा। यहाँ पर हम लोग रफ लिख देते हैं, रफ कार्य है ये, आप लोग रफ कार्य करिएगा। तो 140 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा पहले 142 से जाएगा, फिर अभी 2 से जाएगा ही दोस्तों, यहाँ से 5 से जाएगा, यहाँ से हमारा हो गया। जब ये हो गया तो दोस्तों अब देखिए आप लोग, अब जब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने पे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2 × 2 × 5 × 7। अब दोस्तों यहाँ का आपके आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, फिर भी अगर आप लोग अगर सही तरीके से लिखना है, मान लीजिए बोर्ड में पूछ दिया तो बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना है, तो हमको यहाँ पे क्या कर देना है, 2 × 2 × 5 × 7। आप लोग को ये तो भाई साहब आप लोगों को मालूम होगा 2 × 2 मतलब 2 × 2, यहाँ पर 2 × 2 को हम लोग 2 ले लिया, और 2 × 2 × 2 होता था 2 × 3 ले लेते, अगर यहाँ पे 5 × 5 होता तो 5 × 2 ले लेते हैं, ऐसे है। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग जो 3 बचे का वो आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं आएगा वो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी तीनों का जो है कि सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 156। अब 156 का हम लोग यहाँ पे फिर से एलसीएम निकाल लेते हैं। दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन में देख के लगता होगा कि क्या हलवा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 40, 2 × 8 = 60, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 80। अब यहाँ से आपका 3 से जाएगा, 3 से 13 बार में चला जाएगा और फिर 30 खुद से ही जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका भी सेम यही करना है, फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13, और इसका मुख्य रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, हो गया हमारा आंसर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन ये 3 जो बचा है आप लोग कर लीजिएगा, आसानी है ये भी। इसका भी एलसीएम पहले निकालिएगा, एलसीएम के बाद जैसे मैंने व्यक्त किया वैसे व्यक्त कर दीजिएगा। अब इसका पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका LCM और HCF ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसका LCM और HCF ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, जो हमारा पहला था वो है हमारा, दूसरा का जो पहला है वो हमारा है, सबसे पहला जो है वह है 26 और 91। अब दोस्तों इसका LCM और HCF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 26 लिख लेंगे और यहाँ पर 91। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, इसका भी पहले से LCM निकालेंगे, जैसे ये हमने किया है वैसे इसको भी व्यक्त करेंगे। तो 26 का ये यहाँ पे LCM हम लोग निकाल लेते हैं, 26 का LCM निकालते हैं, 2 × 2 = 6, अब हमारा 13 से ही चला जाएगा वन बार में। तो देखिए अब हमारा जो 26 का हो गया वो हो गया 2 × 13। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 91 का भी निकाल लेते हैं, अब 91 का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 91
91 आपको दोस्तों किससे किससे जाएगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए 91 हमारा किससे चला जाएगा। दोस्तों जो हमारा 91 है वो जाएगा, हालांकि 2 से तो जाएगा नहीं, 30 से चला जाएगा दोस्तों। 13 से जो है ये 7 बार में चला जाएगा और 7 तो खुद से ही जाएगा। ये हो गया हमारा, तो हमारा हो जाएगा इसका 7 × 13। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है हमारा देखिए, अगर हमें HCF याद करना है, HCF अगर हम इसका निकालते हैं तो हमारा HCF लिए क्या हो जाता है, देखिए दोस्तों जो दोनों में कॉमन मिले, मतलब जो दोनों में आया, जैसे देख सकते हो आप लोग 30 जो है ये दोनों में आया है, ये दोनों में आया तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF 30 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए LCM, अगर हमें LCM ज्ञात करना है तो LCM में भी यही जोड़ा बनता है, जोड़ा बनता है अगर जोड़ा है दोनों में। देखिए दोस्तों अगर एक में है तो नहीं, अगर दोनों में देखना पड़ता है, अगर दोनों में यहाँ पे देखिए 13 इसमें भी है, 30 इसमें भी, इसलिए जोड़ा बन गया हमारा HCF 13 हो गया। अगर यहाँ पे 2 का भी जोड़ा हो मिलता ना तो 13 × 2 हो जाता हमारा, तो फिर हमारा 26 ही आंसर हो जाता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, देखिए पहले में क्या है 2, तो 2 × यहाँ पे दूसरे में 7 है, 7 अब यहाँ पे जो कि दोनों में है कॉमन, दोनों में ये कॉमन है इसलिए एक बार ही आएगा ये। अब इसका हम लोग यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे गुणा करा लो तो इसका हमारा हो जाएगा 182, इसका ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब तो दोस्तों आप लोग खुद सोचते होंगे कि दूसरा तो हम लोग कर ही लेंगे, तो कर ही लोगे दोस्तों, इसी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही है ये भी, दूसरा वाला भी वही बात बोला है, तो इसका भी LCM निकाल के जैसे मैंने ये वाला किया ऐसे ही आप लोग वो कर देंगे तो निकल जाएगा आप लोग आराम से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का ऐसे LCM ज्ञात कीजिए, ये भी सेम ही करना है।